बीजेपी नेता की ओर से दायर मानहानि की केस में कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन भेजा है। यह खबर आते ही ध्रुव राठी ने भी एक्स पर इसका जवाब दिया है। पूरा मामला क्या है, बीजेपी के नेता कौन है जिन पर ध्रुव राठी ने हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा, बीजेपी के नेता कौन है जिन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि के केस दर्ज किया, इस पूरे मामले में अल्पेश यादव की क्या भूमिका है, ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दरअसल यूट्यूबर ध्रुव राठी को दिल्ली की एक अदालत ने समन भेजा है। बीजेपी नेता सुरेश कर्मशी नखुआ की याचिका पर राठी को समन जारी किया गया है। उन्होंने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस दर्ज कराया है। इस मामले में अब ध्रुव राठी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि वो अब इन बीजेपी नेता का पूरा अब्यूजिव गालीबाज इतिहास पब्लिक करेंगे। असल में पूरा मामला ऐसा है कि 1 जून 2024 को यूट्यूबर अल्पेश यादव ने एक्सपोजिंग ध्रुव राठी एंड हिज एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा टाइटल से एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। अल्पेश के आरोपों का जवाब देते हुए ध्रुव राठी ने दो वीडियोज बनाए। पहला वीडियो माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स टाइटल से 7 जुलाई को और दूसरा वीडियो माय फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स टाइटल से 21 जुलाई को पोस्ट किया। ध्रुव राठी पर आरोप है कि राठी ने अपने वीडियो में बीजेपी नेता सुरेश कर्मशी नखुआ को हिंसक गालीबाज ट्रोल कहा। बता दें कि बीजेपी की मुंबई यूनिट में पार्टी के प्रवक्ता सुरेश कर्मशी नखुआ ने दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का एक मामला दर्ज कराया था। 19 जुलाई को साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने मामले की सुनवाई की। जज ने ध्रुव राठी को समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। यहां आपको बता दें कि बार एंड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक ध्रुव राठी पर आरोप है कि पहले वीडियो में ध्रुव राठी ने बीजेपी नेता सुरेश कर्मशी नखुआ को हिंसक और गालीबाज ट्रोल कहा था। वहीं नखुआ की तरफ से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कोर्ट में बताया कि वीडियो में 6 मिनट 13 सेकंड पर ध्रुव राठी ने नखुआ को हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स का हिस्सा बताया, लेकिन ये आरोप बिना किसी तर्क या कारण के हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। नखुआ ने कहा कि राठी की तरफ से लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यापक निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि ध्रुव राठी ने चालाकी से तैयार किए गए वीडियो के जरिए नखुआ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अभियान चलाया है, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। वकीलों ने दावा किया कि वीडियो के जरिए नखुआ के खिलाफ समाज में अविश्वास और शंका के बीज बोए गए हैं, जो नखुआ के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान की कभी भी भरपाई नहीं की जा सकती। आइए अब जानते हैं कि इससे आगे का इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। अल्पेश यादव ने अपने वीडियो में आदिल अमन नाम के एक शख्स का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आदिल अमन अभद्र कमेंट करने वाले ध्रुव राठी के पुराने फेसबुक ग्रुप के एडमिन था। इसी का जवाब ध्रुव राठी ने अपने दूसरे वीडियो में बताया। ध्रुव राठी ने कहा कि उस ग्रुप में सबसे ज्यादा लाइक और कॉमेंट करने वालों को उन्होंने ग्रुप का एडमिन बनाया था, जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। आदिल भी उसमें से एक था। ध्रुव राठी ने आगे कहा कि आदिल के बारे में पता होते ही हमने उसे ग्रुप एडमिन से हटा दिया था। इसके बाद हमने फिर सोचा कि अगर इसमें कोई भी कमेंट करेगा तो हम पर ही ब्लेम आएगा, इसीलिए हमने 2020-21 के आसपास उस फेसबुक ग्रुप को ही बंद कर दिया था। ये जवाब ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दिया। आगे ही वीडियो में ध्रुव राठी ने कुछ एक्स अकाउंट का जिक्र किया, जिसमें ध्रुव राठी ने कहा कि जिसे पीएम मोदी फॉलो करते हैं, जो कहीं ना कहीं आदिल अमन के जैसे ही हैं। दरअसल 2015 में पीएम मोदी लगभग 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होस्ट किया था। ध्रुव राठी ने यह आरोप लगाया है कि नखुआ भी उस 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में शामिल था जो पीएम मोदी अपने निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होस्ट किया था। उसमें वो नखुआ शामिल थे, जो कि मुंबई के बीजेपी यूनिट के प्रवक्ता हैं। ध्रुव राठी ने आगे उसी वीडियो में जो कॉमेंट किए गए थे उसी से जुड़े हुए सवाल करते हुए उन्होंने वीडियो में पूछा कि क्या पीएम मोदी को यह बात नहीं पता थी कि यह हिंसक गालीबाज लोगों को किस तरीके से उन्होंने होस्ट किया था। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने इसी बात को मानहानि के तौर पर देखते हुए साकेत जिला कोर्ट में ध्रुव राठी पर मानहानि के केस दर्ज करवाए। बहरहाल इस पूरे मामले पर ध्रुव राठी का भी जवाब सामने आया है।
ध्रुव राठी ने 24 जुलाई को एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में ध्रुव राठी ने लिखा, बीजेपी के एक अब्यूजिंग अंकल ने मेरे खिलाफ 20 लाख रुपए का कोर्ट केस दायर किया है, क्योंकि मैंने उन्हें अब्यूजिव कहा था, क्योंकि इतनी बेइज्जती कराने का शौक है ना इनको। अब इन अंकल की पूरी अब्यूजिंग हिस्ट्री दोबारा पब्लिक होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देखते रहिए दी कंटाप। शुक्रिया।